हमारे चैनल को करें सब्सक्राइब, प्रेस करें बेल आइकन ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे आपके पास। दगरु सेठ ज्वेलर्स, जीएम रोड नियर रेडियो स्टेशन दरभंगा, 50% तक कम मेकिंग चार्ज किसी भी दूसरे ब्रांड से। बार बार अटेम्प्ट नहीं, एक बार में ही मिलेगी मेडिकल और इंजीनियरिंग में सफलता। अपराजिता विद्या कुंज, प्रोफेसर कॉलोनी दिग्घी वेस्ट दरभंगा, टारगेट बैच फॉर नीट एंड जी, कोर प्लिंथ एंड नर्चर बैच फॉर गारंटीड सक्सेस। दरभंगा में गुलेल गैंग चोरी के पैटर्न को बदला, कमर में चप्पल, हथियार की जगह गुलेल। लहेरिया सराय के बलभद्रपुर में डॉक्टर रजनीश के घर में चोरी के मामले चोरी में छुपे हैं अपराध के कई नए प्रयोग। घटना के कई दिन बीते, अब तक पुलिस के हाथ खाली। दरभंगा में गुलेल गैंग कहर बरपा रहा है, चोरी के पैटर्न बदल रहे अपराधियों ने अब नए तरीके से वारदात को अंजाम देना शुरू कर दिया है। बेगूसराय में नाइटी पहनकर चोरी करने वाले गिरोह की सक्रियता से पुलिस वहां सख्ते में थी, बाद में उसका भंडाफोड़ भी हुआ। वैसे ही दरभंगा में अब गुलेल गैंग की बात सामने आ गई है। हालांकि अभी तक स्थानीय पुलिस ने इस बाबत कोई बात स्वीकार नहीं किया है, लेकिन पुलिस भी कमर में चप्पल, हथियार की जगह गुलेल लेकर डॉक्टर रजनीश के घर चोरी करते चोर क्यों पहुंचे, इसकी तफ्तीश शुरू कर दी है। इस चोरी में अपराध के कई नए प्रयोग वाले एंगल से पुलिस भी आश्चर्य में है। चोरी के तरीके बदल गए हैं। डॉक्टर रजनीश के यहाँ चोरी करने जितने भी चोर आए थे, सभी के हाथों में गुलेल दिखा है। सीसीटीवी फुटेज बता रही है कि गुलेल रखने का अर्थ समझ में नहीं आता, लेकिन एक अंदाजा लगाया जा सकता है कि चोर यह सोचकर आए होंगे कि अगर लोग जग जाते हैं तो गुलेल के सहारे दूर के लोगों को चोटिल किया जा सकता है, या मन में यह भी हो कि सीसीटीवी में अगर हथियार दिखा तो आर्म्स एक्ट लग सकता है। चोरी करने आए चोर का नया प्रयोग है यह। दरभंगा के लहेरिया सराय थाना अंतर्गत डॉक्टर रजनीश के घर हुई भीषण चोरी के मामले में प्राथमिकी तो दर्ज कर ली गई है। करीब 25 लाख के गहने के अलावा 2 लाख नकदी पर चोरों ने हाथ साफ किया हुआ है, लेकिन सीसीटीवी में कैद हो गई है चोरों की करतूत। सवाल बड़ा यह है कि अब तक पुलिस के हाथ इस मामले में खाली हैं। कब तक पकड़े जा सकेंगे चोर? कब होगी सामानों की बरामदगी?